नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और आइए रुख करते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान सीधे जनता को संबोधित कर रहे हैं। जब उनको ये आश्वासन हो जाता है कि शासकीय योजनाओं में उनको जो प्रॉमिस किया जा रहा है वो वास्तव में उपलब्ध हो सकेगा, और उसी का परिणाम है कि हम आज इतने न्यूनतम दरों पर आगर, शाजापुर और नीमच में 1500 मेगावाट के लेटर ऑफ अवार्ड की प्रक्रिया में यहाँ आज सम्मिलित हुए हैं। लेकिन ये हमारे लिए केवल एक कड़ी है। रीवा अल्ट्रा 16 मेगा प्रोजेक्ट जो हमने पहले रीवा में लगाया था, उसके बाद आगर शाजापुर में 1500 मेगावाट, लेकिन ये रास्ता अभी बहुत लंबा है और उसको तय करने में हमको कोई कठिनाई भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे, हमारी पीठ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे मंत्री महोदय का वरद हस्त है। हम इन योजनाओं पर रुकना नहीं चाहते हैं। हम एक नए प्रतिमान प्रतिदिन स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारी ये प्रयास है कि हम आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर ओंकारेश्वर में लगा सकें, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय का अभी भी मेरे से पूछ रहे थे कि संजय, तुमने प्रॉमिस किया है और तुमको ये लगाना है, कोई कठिनाई हो तो मुझे अवगत कराओ। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि सर, आपके मार्गदर्शन में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर में स्थापित करने में अगले 2 से 2.5 साल में सक्षम हो पाएंगे। सर, आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि आज न केवल देश में प्रत्येक इन्वेस्टर बल्कि विदेशों से इन्वेस्टर्स अपने इस प्रोग्राम में रुचि ले रहे हैं, और हमारी इस परियोजना में भी हमारी एक अबूधाबी की संस्था है जिन्होंने इस टेंडर को विन किया है, और सबसे ज्यादा प्रतिभागिता किसी भी टेंडर में अभी तक अगर की गई है तो मध्य प्रदेश के टेंडर्स में की गई है। ये सब संभव हो पाया है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने हमें सपोर्ट किया, IFC ने हमें सपोर्ट किया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने हमको सपोर्ट किया, डेवलपर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया, और जो हमारा स्ट्रक्चरिंग हुआ प्रोजेक्ट की, चाहे वो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड हो, जो हम आज आपको 95% लैंड उपलब्ध करा रहे हैं डेवलपर्स को, आज के दिन हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपके डेवलपमेंट कॉस्ट मिनिमम हो, आपको ये भी सुनिश्चित करा रहे हैं कि आपके पेमेंट की सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके, और उसके लिए स्टेट गारंटी तक की कड़ी उपलब्ध है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो आने वाले समय में ओंकारेश्वर के बाद मुरैना, मुरैना के बाद छतरपुर, छतरपुर के बाद हमारे पास पूरे बुंदेलखंड में, जो हमारा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, उस इलाके में लगभग 20,000 मेगावाट की परियोजनाओं की स्थापना आने वाले समय में कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है सर कि आपके मार्गदर्शन में, आपके सुभाषित से और आपके सकारात्मक रुख से नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग निरंतर प्रगति के नए सोपान गठित करता रहेगा, गढ़ता रहेगा। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम इस बात के आभारी हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स आज यहाँ पर उपलब्ध हैं, डेवलपर्स यहाँ उपलब्ध हैं, और जो मध्य प्रदेश शासन से विभिन्न विभाग हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रेगुलेटरी कमीशन और उसके साथ जुड़ी हुई संस्थाएं। हम ये मानते हैं कि सब आप लोगों के मदद से, आप लोगों के सकारात्मक रुख से और आपके विश्वास से ये संभव हो पाया है। मैं आज इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति के लिए हृदय से आभारी हूं, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमुख सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग श्री संजय दुबे जी। अब विनम्र आग्रह माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग साहब से, माननीय मंत्री नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश के, आप आए और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, थोड़ा जोश आ जाए, भारत माता की। आज नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग द्वारा आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क लेटर ऑफ अवार्ड वितरण कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाने वाले जन नायक यशस्वी मुख्यमंत्री, उनके लिए दो शब्द कह सकते हैं कि ना रूप का श्रृंगार अमर रहता है, ना धन का अभिमान अमर रहता है। आदमी आता है तो जाता भी एक दिन, पर आदमी के कर्म का किरदार हमेशा अमर रहता है। ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाने वाले, जोरदार ताली बजाकर उनका एक स्वागत करें कि ऐसे महानायक हमारे बीच में हैं जो एक मध्य प्रदेश के साथ पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाई है और हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। मैं आज उनका भी स्वागत करता हूं कि जिन्होंने अपने एक अधिकारी के रूप में जो पूरी मेहनत से जो हमारे
इस महोदय हैं संजय दुबे जी, उनका भी स्वागत कि इस योजना में उन्होंने अपनी टीम के साथ लगातार मेहनत करके आज इस मुकाम पर यहाँ पर पहुँचाया है। आदरणीय एमडी महोदय सक्सेना जी, दीपक जी सक्सेना जी साहब, हमारे कुलपति जी आदरणीय गुप्ता जी और यहाँ पर पधारे समस्त अधिकारी बंधु, हमारे निवेशक जो आए उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हैं और पत्रकार बंधु। प्रदेश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में गति लाने के लिए रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड रम्स का गठन 2015 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम कंपनी के रूप में किया गया था। रम्स द्वारा ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि विश्व में सबसे बड़ी परियोजना में से एक रीवा सोलर परियोजना का विकास किया गया, उसमें राष्ट्र स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई है। इस परियोजना द्वारा तत्कालीन न्यूनतम रेट 2.9797 की रेट से परियोजना दिनांक 3 जनवरी 2020 से पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन प्रारंभ हुआ और हमें गर्व है कि इसका ओपनिंग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र जी मोदी जी द्वारा 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसी कड़ी में प्रदेश में रंग द्वारा आगर में 550 मेगावाट, शाजापुर में 450 और नीमच में 500 मेगावाट, जिलों में 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का विकास किया जा रहा है। साथियों, विगत माह में इन पार्क में निविदा प्रक्रिया संपन्न की गई। इस प्रकार प्राप्त परिणाम में आगर में हमारे तीन, आगर में 2 यूनिट 200 मेगावाट और 350 मेगावाट, जिसमें हमें रेट प्राप्त हुए 2.45 और दूसरे रेट में हैं 2.44 प्रति यूनिट की दर से टैरिफ हमें प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से शाजापुर सौर पार्क के लिए हमारे 3 यूनिट में उनको यहाँ पर हमारी निविदा आई, एक तो 105 मेगावाट, 220 मेगावाट और 125 मेगावाट। इसमें हमें उस टाइम पे लगा कि सबसे कम रेट हमें मिली है 2.33 रुपये, फिर उसके बाद हमारे पास जब नीमच में जब हमारी बिडिंग हुई उसमें जब और हमें हिंदुस्तान में सबसे कम रेट जब प्राप्त हुआ 2.14 रुपये, इसमें तीन हमारी कंपनियों ने भाग लिया, एक 170 मेगावाट वाला, 160 मेगावाट, 170 मेगावाट। उपरोक्त सभी परियोजनाएं लगभग निजी निवेश 5250 करोड़ का निजी निवेश प्रदेश में होगा, यह हमारे लिए गौरव की बात है। यह परियोजना लगभग 3000 हेक्टेयर राजस्व तथा निजी भूमि पर स्थापित की जाएगी। परियोजना में मार्च 2023 तक पूर्ण होने की इसका लक्ष्य रखा गया है। परियोजना की स्थापना के दौरान लगभग जो हमारा मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने, उसमें करीब जब प्रारंभ होगा तो 7500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और संचालन के टाइम पे करीब 1500 से 1600 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होगा। इसी सभी योजनाओं को निविदा प्रक्रिया 15 से 21 विकास निविदाएं प्रक्रिया भाग लिया, मतलब कम से कम यहाँ पर जो निवेशक आए 15 से 20 तक यहाँ पर आए, उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी व्यक्तियों ने, इसमें कंपनियों ने हिस्सा लेकर और गौरव बढ़ाया है। यह टैरिफ केंद्र सरकार द्वारा अप्रैल 2022 से लागू बेसिक कस्टम ड्यूटी मार्च 2021 में अप्रूव्ड होकर लिस्ट ऑफ मॉडल मैन्युफैक्चर आदि नियंत्रण मापदंडों के बावजूद प्रदेश की बिजली कंपनियों को प्राप्त होना वाला न्यूनतम टैरिफ है तथा देश में वर्तमान परिस्थितियों में प्राप्त न्यूनतम टैरिफ में आज हम यहाँ पर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सतत मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री जी के 2022 तक देश में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट ले जाने की जो और कदम बढ़ाया है, उसमें शाजापुर, आगर, नीमच और सौर पार्कों की स्थापना के प्रदेश सस्ती और पर्यावरण मित्र बिजली मिलेगी। आगामी ओंकारेश्वर और छतरपुर आदि इत्यादि सोलर पार्कों में विकास के लिए भी हमें आगे कदम बढ़ाए हैं। बड़े सौर ऊर्जा के अतिरिक्त किसानों के लिए हमारे पास कुसुम ए, कुसुम सी योजना, घरों तक व्यवसायिक संस्थानों के लिए सोलर रूफटॉप, ई व्हीकल आदि योजनाओं में समाज के हर वर्गों को प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। आज प्रदेश शासन में ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान प्रारंभ करने जा रही है, जिसमें कक्षा 8 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं और
नागरिकों को जोड़कर ऊर्जा साक्षर बनाया जाएगा, जिससे ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। उपरोक्त सभी प्रयासों से विभाग नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को और देश को अग्रणी बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हमेशा सौर ऊर्जा के लिए उन्होंने जब भी हमने बात करी, प्रमुख सचिव जी ने बात करी, हमारा उत्साह उन्होंने बढ़ाया है। और ओंकारेश्वर के लिए जो फ्लोटिंग सोलर पार्क की स्थापना है, जो हमारा करीब बहुत ही 300 मेगावाट का रहेगा और जब स्थापना होगी तो विश्व में सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग पावर जो पावर जो सोलर पार्क बनेगा वो हमारा ओंकारेश्वर में बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और इसी प्रकार जो हमारा सबसे छोटा विभाग है, पर सबसे बड़े काम हमारे विभाग द्वारा किए जा रहे हैं। मैं निवेशक जो आए हैं उनको भी स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश में आपके लिए हम जो भी आपको अच्छी सुविधा दे सकेंगे, हमारे यहां पर आप रोजगार बढ़ाने आए हैं और उसमें आपको हमारी तरफ से जो भी सुविधा लगेगी वो हम आपको देंगे। आप यहां पर सब पधारें। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शब्द बोलना चाहता हूं कि इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। इसलिए दो शब्द कह सकता हूं कि रेत पर हम नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि रेत पर नाम नहीं टिकते। लोग हमें पत्थर दिल समझ बैठे, उन्हें क्या पता कि पत्थर पे लिखे नाम कभी नहीं मिटते। इतिहास में ऐसा काम करा है मुख्यमंत्री जी ने, आने वाली पीढ़ी इनको याद रखेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यह हमारे मैं पर्यावरण मंत्री भी हूँ, इसलिए पर्यावरण बचत के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह डंग साहब। अब जिस काम के लिए हम लोग यहाँ हैं, लेटर ऑफ अवार्ड के लिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से उसे आरंभ करने जा रहे हैं। जो परियोजनाएं हैं उनके टेंडर्स जिन कंपनियों को मिले हैं उन सभी के एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेटिव यहां मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से अब हम उन सभी को यहां आमंत्रित कर रहे हैं लेटर ऑफ अवार्ड सेरेमनी। सबसे पहले आगर में 200 मेगावाट की जो हमारी यूनिट है वो बनाने जा रहे हैं अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किशोर नायर साहब यहां हैं। किशोर नायर जी आकर लेटर ऑफ अवार्ड यहां से हासिल करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। आदरणीय दिव्य सज्जनों, हालांकि हम रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट के प्रोग्राम में यहां हैं, लेकिन वेबकास्ट के माध्यम से ये सारा कार्यक्रम पूरी दुनिया में जा रहा है। और जैसा कि हमारे बीच में मौजूद प्रमुख सचिव महोदय ने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, नया करना, उसकी प्रेरणा माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलती है, तो यही वजह है शायद कि आज हम ये सब होता हुआ देख पा रहे हैं। दूसरी यूनिट है 350 मेगावाट की, उसके लिए बीम पाव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ पराग शर्मा साहब यहां मौजूद हैं और उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप आएं और लेटर ऑफ अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी से हासिल करें। बीम पाव एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 350 मेगावाट की यूनिट है, पराग शर्मा जी ये लेटर ग्रहण कर रहे हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं शाहजहांपुर की जो हमारी इकाइयां उसके लिए, उसकी पहली इकाई है 220 मेगावाट की, एनटीपीसी रिन्यूएबल इसका निर्माण करने जा रही है। सीईओ आदरणीय मोहित भार्गव साहब यहां मौजूद हैं। मोहित भार्गव जी से निवेदन है कि आप आए और लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करें एनटीपीसी रिन्यूएबल। एक और यूनिट है 125 मेगावाट की शाहजहांपुर में, ये टेल्टोराई सोलर प्रोजेक्ट्स 9 प्राइवेट लिमिटेड इनको पूरा कर रहे हैं। तानिया सिंघल जी हैं फाउंडर एंड डायरेक्टर। तानिया जी लेटर हासिल कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मोहित भार्गव साहब को एक बार और हम आमंत्रित करेंगे। 105 मेगावाट की यूनिट है शाहजहांपुर की, एनटीपीसी रिन्यूअल ही उसको बना रहे हैं, तो मोहित भार्गव साहब इसका लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक बार पुनः उपस्थित हो रहे हैं। 105 मेगावाट की एनटीपीसी रिन्यूअल। इसके बाद हम चलेंगे नीमच इकाइयों की तरफ। नीमच में 160 मेगावाट की जो इकाई है उसका निर्माण टीपी सौर्य लिमिटेड करने जा रहे हैं। इसके प्रेसिडेंट आशीष खन्ना साहब यहां मौजूद हैं। आशीष खन्ना साहब मंच पर आ रहे हैं
और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करेंगे। टीपी सौर्य लिमिटेड 160 मेगावाट की इकाई, मेगावाट की इकाई के लिए अलजमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी, जैसा कि आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय ने बताया था कि हमारे पास जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भी आए हैं, तो अलजमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अंकित जैन साहब हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करेंगे और एक बार फिर हम आशीष खन्ना साहब से निवेदन करेंगे कि एक बार पुनः वो इसके बाद मंच पर आएं और अपनी दूसरी जो इकाई वो बनाने वाले हैं उसका लेटर ऑफ अवार्ड हासिल करें। इस समय मंच पर मौजूद हैं अलजमह एनर्जी एंड वाटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित जैन, आप 170 मेगावाट यूनिट की जो इकाई है उसका लेटर ऑफ अवार्ड हासिल कर रहे हैं और इस सिलसिले में आखिर में आदर के साथ आमंत्रित हैं आदरणीय श्री आशीष खन्ना साहब, प्रेसिडेंट टीपी सौर्य लिमिटेड, आप नीमच में बनने वाली तीसरी इकाई जो है उसका तीसरी इकाई का लेटर ऑफ अवार्ड यहां हासिल कर रहे हैं। श्री आशीष खन्ना साहब, प्रेसिडेंट टीपी सौर्य लिमिटेड, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संक्षिप्त लेटर ऑफ अवार्ड प्रेजेंटेशन। आदरणीय दिव्य सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हम बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश में एक नए युग की शुरुआत के लिए आज अपने हाथ से ये लेटर ऑफ अवार्ड वितरित किए हैं। ये कार्यक्रम वेबकास्ट के माध्यम से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और जैसा कि आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय संजय दुबे ने कहा कि अगर हम सबसे बेहतर रेट्स हासिल कर पाए और बड़ी योजनाओं पर काम कर पाए तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें ये आज़ादी दी कि हम बेहतर से बेहतर कुछ करने के लिए, नया हासिल करने के लिए कोशिश कर सकें। उसका परिणाम है कि हम सर्वश्रेष्ठ को हासिल कर पाए। हालांकि ये कार्यक्रम सोलर एनर्जी पर बेस्ड है लेकिन यहां सरकार मौजूद है, माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को देखने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी लोग ये समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में अब एक नया दौर है विकास का और इस दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यप्रणाली है वो ये है कि अब वो लीडरशिप डेवलप करने में विश्वास करते हैं। अगर आप नए विचार के साथ, नई ताकत के साथ प्रदेश को और भारत को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में अपना योगदान दे रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इन्हीं विचारों को, स्वच्छ पर्यावरण से जुड़ी इन परियोजना के बारे में आपसे अपनी चर्चा करेंगे। बहुत आदर के साथ आमंत्रित हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आइए जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हमारे आदरणीय हरदीप सिंह डंग जी, भाई संजय दुबे जी जिस डिपार्टमेंट के पीएस हैं, आदरणीय सुनील गुप्ता जी, सक्सेना जी, उपस्थित मित्रों, क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अभी मुझे एक टास्क फोर्स बनानी पड़ी बाढ़ से निपटने के लिए, क्योंकि कुछ जिलों में इतनी बारिश हुई कि जल प्रलय आ गया, गांव और शहर डूब गए, लोगों को लगभग 32,000 हमारे लोग ऐसे थे जिनको हमने फ्लड इफेक्टेड एरिया से रेस्क्यू किया, निकाला, कई को एयरलिफ्ट किया। लेकिन इसी समय मध्य प्रदेश में एक दूसरे संकट का मैं सामना कर रहा हूं और वो है सूखे का संकट। 17 जिले हमारे कम वर्षा के कारण आज बुरी तरह से सूखे से प्रभावित है। तो हालत यह कि कई जगह सूखा घोषित करो की मांग हो रही है। एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ सूखा। प्रकृति का जो शोषण हमने किया है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए, भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। आज नहीं, हजारों साल पहले हमने कहा था हमारे ऋषियों ने
प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ में अगर फल लगे हैं तो फल तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ को ही काट दो तो इसको कहेंगे शोषण। प्रकृति से उतना ले लो, धरती से उतना ले लो जिसकी पूर्ति वो अपने आप कर सके स्वाभाविक रूप से, लेकिन वो हमने नहीं किया। दुनिया भर के देशों ने, विशेषकर समृद्ध और विकसित देशों ने, भौतिक प्रगति की चाह में धरती को खोद डाला, खनिज निकाल लिए। हम पानी निकाल रहे हैं, हम कोयला निकाल रहे हैं, अलग अलग तरह के खनिज निकाल रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। लेकिन उससे अगर निपटना है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, तो कार्बन गैसों का उत्सर्जन रोकने के उपाय हमको बड़े प्रभावी ढंग से करने पड़ेंगे। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं और पेड़ लगाना भी भगवान की पूजा मानता हूं, क्योंकि वो जीवित ऑक्सीजन प्लांट है। अब बिजली आज की जरूरत है। रहीम जी ने कभी कहा था, रहीमन पानी राखिए, मैं कहता हूं रहीमन बिजली राखिए, बिन बिजली सब सून। तो बिजली तो हमको चाहिए, लेकिन कैसी बिजली चाहिए, क्योंकि ऊर्जा के बिना तो दुनिया चल नहीं सकती। उसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है कि बिजली ना हो तो फिर क्या हो। लेकिन थर्मल पावर प्लांट कार्बन गैसों का उत्सर्जन करते हैं। कोल माइंस को ओपन करना तो वृक्ष काटे जाते हैं, कोयला निकालना पड़ता है, फिर वो भी तो सीमित है, असीमित नहीं है। और इसलिए बिजली चाहिए सही है, लेकिन सबसे आदर्श तरीका है सूरज से बिजली ले लेना, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। ये अक्षय ऊर्जा है जो कभी खत्म नहीं होती। कोयला भी खत्म हो जाता है, कई बार पानी का भी अगर हम हाइडल लगाएं तो उसमें भी पानी की, अब हमारे हाइडल पावर प्लांट चल ही नहीं रहे क्योंकि नर्मदा जी खाली है। लेकिन सूरज कभी कभार बादलों से ढकता है, बाकी मध्य प्रदेश की धरती पे 300 दिन चमकता है, वो हमें ऊर्जा दे रहा है। जरूरत है कि उस ऊर्जा को हम प्लांट लगा के, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठीक ढंग से घरों, कारखानों और खेतों में पहुंचा पाए। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी मानता हूं कि सोलर एनर्जी क्लीन और ग्रीन एनर्जी है, ये पर्यावरण बचाती है, ये धरती को सुरक्षित रखती है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित कर रही है। और इसलिए आज जहां निवेशक बैठे हैं तो वो केवल धन कमाने वाला नहीं मानता मैं, वो पर्यावरण की रक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। अब ग्रीन लंग्स ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश को हमको बनाना है, मतलब हम लोगों ने अभियान चलाया हुआ है। सूरज की ऊर्जा का भरपूर दोहन, क्योंकि वो तो है, उससे कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जिसने पहले एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट नीमच में ही लगाया,
135 मेगावाट का। मोदी जी तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं उनको उद्घाटन के लिए लाया था। इसके बाद रीवा का आपने देखा, आदर्श सोलर पावर प्लांट। अब दिल्ली में मेट्रो रेल अगर चल रही है तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा पावर प्रदान कर रहा है, रीवा सोलर पावर प्लांट से जा रही है। और आज जो अलग अलग तीन स्थानों पर, मैं परियोजना के बारे में इसलिए नहीं बता रहा कि रिपीटेशन हो जाएगा, अब संजय ने भी बताया, हरदीप जी ने भी बताया, लेकिन पहले दूर की कौड़ी थी सोलर एनर्जी। शुरू शुरू में तो मैं भी चिंतित था कि रेट आते थे 14 रुपया 15 रुपया, लगता था कि इतनी महंगी बिजली है। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, 2 रुपया 14 पैसे, ये शायद अब तक का सबसे कम रेट आया है, और भविष्य में और गुंजाइश है। इसलिए यहां अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हम बिजली की कमी को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन हम पर्यावरण की रक्षा भी करने का महान काम कर रहे हैं। मैं सभी निवेशक मित्रों को बधाई देता हूं। ठीक है, मध्यप्रदेश बहुत अच्छा राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, निवेश के लिए सर्वथा उपयुक्त। और सोलर एनर्जी के लिए तो इसलिए कि 300 दिन सूरज यहां चमकता है, जमीन की हमारे पास कमी नहीं है। अब ये तीन के अलावा भी छतरपुर की तैयारी है, मुरैना की तैयारी है। हम धरती पर तो सोलर पैनल बिछाएंगे ही, हम तो पानी पे भी सोलर पैनल बिछाएंगे। ओंकारेश्वर हमारा डैम है, जहां पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, इसलिए फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लोग ओंकारेश्वर में लगा रहे हैं। तो पथरीली और बंजर जमीन का भी उपयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर 1 मेगावाट 2, 4, 5 मेगावाट का जमीनें खरीद खरीद के भी लगा रहे हैं। बड़े सोलर पावर प्लांट भी आ रहे हैं। हम हर संभव सुविधा, क्यों, इन्वेस्टर है तो हमारा मित्र है, हम उसको केवल धन कमाने वाला नहीं मानते, उससे हमारे रिश्ते आत्मीय होते हैं, हम हर संभव सहयोग करते हैं। मैंने आपको बताया कि जमीन है, स्किल्ड मैन पावर है, अच्छी टीम है, सिंगल टेबल है, विंडो नहीं कहता मैं, एक टेबल पर ही बैठ के सब चीजें, अगर कोई समस्या आती तो उसका समाधान करते हैं। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है कि देश या दुनिया से जो यहां आता है वो जैसे दूध में शक्कर घुल के एक हो जाती, वैसे ही वो मध्य प्रदेश की जनता से मिलके एक मेक हो जाता है, कोई दिक्कत यहां नहीं आती। और हम कई अभिनव प्रयोग कर रहे हैं। अब सांची हमारी सिटी पूरी तरह से ग्रीन सिटी होगी, वहां जितनी भी बिजली की आवश्यकता होगी केवल सोलर एनर्जी का उपयोग करेंगे। हम सोलर विलेज बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कुसुम सिंचाई जैसी योजना हरदीप बता रहे थे किसानों के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि वो अपना सोलर पावर प्लांट लगा सके, खुद की सिंचाई का इंतजाम भी कर सके और बेच के कुछ पैसा भी कमा सके। हमारी नीति इन्वेस्टर फ्रेंडली है,
जिसके बारे में आप विस्तार से जानते हैं और इतने देश से भी दुनिया से भी अबूधाबी से मित्र आए हैं, आपका स्वागत है, आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ये हमारी परंपरा है। तान्या जैसी बेटी मुझे बहुत खुशी हुई, अभी यंग इन्वेस्टर हैं सब, ऊर्जा उत्साह से भरे हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं तो कह रहा हूं कि सोलर पैनल और क्या क्या बनते हैं ही बनाओ भाई। देखिए मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक हब भी है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण कहीं अगर भेजना तो यही बनाओ ना, मध्य प्रदेश में भी लगाओ और आसपास भी ले जाओ, कनेक्टिविटी बेहतर है। और इसलिए इस निवेश का तो मैं स्वागत करता ही हूं, आगे के लिए भी आपको मैं निमंत्रण देता हूं, सोलर के क्षेत्र में आइए, सोलर पैनल बनाने के निर्माण के क्षेत्र में आइए, और अगर मर्जी हो तो बाकी भी हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज देख लीजिए। आपका मध्य प्रदेश में स्वागत है, बहुत अच्छा राज्य है, तीन तीन वर्ल्ड हेरिटेज है यहां, सांची, भीमबेटका, खजुराहो, अनेकों नेशनल पार्क है, और नेशनल पार्क भी हमारे ऐसे हैं कि कई बार टाइगर से हैंडशेक करने का मौका आ जाता है। इस अच्छे राज्य में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम विनम्र आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह डंग साहब से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम श्री दीपक सक्सेना जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री हरदीप सिंह